एक पॉन रैकेट में शामिल हो जाते हैं। किस तरह से धड़ल्ले से सेक्सटॉर्शन जो है बढ़ रहा है, पवन जी? देखिए, आज सबसे बड़ी चुनौती जो हम देख रहे हैं आज के समाज में, वो साइबर सेक्सटॉर्शन की है, जहां पर अब पोस्ट कोविड लोगों ने समझ लिया है कि नौकरियां तो चली गई हैं, तो पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप लोगों को टारगेट करो इन तरह के झूठे पॉन रैकेट्स में। और अब तो अक्सर ये वीडियो कॉल वाला सिलसिला जो है बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहा है। आपको कॉल आ जाएगी, लड़के हैं तो लड़की की कॉल आएगी, लड़की हैं तो लड़के की कॉल आएगी, और आपको कहा जाएगा कि आप वीडियो कॉल ऑन करें। अगर आपने इस अनजान कॉल को एंटरटेन कर लिया और वीडियो कॉल ओपन कर दी, तो संभावित तौर पर यह बात सुनिश्चित है कि आप साइबर सेक्सटॉर्शन के शिकार जरूर बन जाएंगे। ये आजकल बहुत ज्यादा लोकप्रिय इसलिए होता जा रहा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा भारतवासी नहीं चाहते कि उनकी छवि को नकारात्मक रूप से कोई प्रभाव हो, इसलिए अगर वो कहीं कुछ अश्लील गतिविधियां करते पकड़े जाते हैं या प्रलोभन में आ जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं कहीं ना कहीं चुपचाप पैसे दे दूं और किसी व्यक्ति को कुछ पता ना लगे। लेकिन अधिकांश भारतवासी भूल जाते हैं कि जब आप सेक्सटॉर्शन वाले मामले में पैसा देते हैं, तो वो पहला अध्याय है एक लंबी यात्रा का। क्यों? क्योंकि आपने जैसे पैसे दे दिए, आपने कंफर्म कर दिया कि आप एक फर्टाइल टारगेट है, आपके पास क्षमता है पैसे देने की, और आपने आज पहली बार दिया है तो अगली बार भी जरूर देंगे। तो फिर आप एक लगातार एक एक्सप्लॉयटेशन वाले व्हील में आ जाते हैं, वर्लपूल में आ जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी समझना होगा कि अगर आप सेक्सटॉर्शन के शिकार बन भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आसमान कल सुबह गिर रहा है या कल सुबह सूर्य नहीं उग रहा है, कल भी इस तरह की चीजें होंगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को बचाने का प्रयास करें, अपनी साइबर हाइजीन मेथोडोलॉजीज को थोड़ा अपडेट करें और जागरूक रहें, तो काफी हद तक इस चुनौतीपूर्ण जो साइबर क्राइम है उसके शिकार होने से बच सकते हैं। पवन जी की ही बात को